नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो हम बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इंटर पास किए हैं तो उसमें स्कॉलरशिप के लिए भरे हो तो गाइज उसमें होता क्या है, आपका आधार बैंक जो है आपका वेरीफाइड हुआ है या नहीं, आप कैसे पता कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका से जो है अपने मोबाइल फोन से ही पता कर सकते हो कि मेरा आधार बैंक पासबुक वेरीफाई हुआ है या नहीं। तो गाइज चलते अपने मोबाइल फोन को होम स्क्रीन पे, वहीं पे चल के आपको बताते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, आगे समझ नहीं पाओगे। और इस चैनल पे पहली बार विजिट किए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। सबसे पहले गाइज आपको क्या करना है, अपना क्रोम ब्राउजर खोल लेना है। चलिए मैंने अपना क्रोम ब्राउजर खोल लेते हैं। जैसे क्रोम ब्राउजर खोलिएगा ना, यहाँ पे आपको एक सर्च इंजन आपको मिल रहा है, जिस पे आपको लिखना है गाइज metasoft.nic.in लिख करके यहाँ पे आपको सर्च कर देना। जैसे सर्च कीजिएगा ना गाइज, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। आपको इधर जो थ्री लाइन जो दिखाई, थ्री डॉट, इस पे क्लिक करके आपको जो है यहाँ पे डेस्कटॉप साइड आपको कर लेना गाइज। जैसे इसको खुलिएगा ना गाइज, आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे अप्लाई फॉर ऑनलाइन 2022। यह टेंथ वाले के लिए, मैं आपको इंटर पास वाले के लिए हम बता रहे हैं जो इंटर पास किए प्लस टू। तो यहाँ पे गाइज आपको दिखाई दे रहे एक ऑप्शन अप्लाई फॉर ऑनलाइन 2022, अभी 22 वाले जो हो रहा है उसी को आपको चेक करना। तो इस पर क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा ना, यहाँ पे जो है आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे गाइज। वीडियो को स्किप नहीं करना है, आप समझ नहीं पाओगे। और इस चैनल पर पहली बार आई हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को भी लाइक कर दे। जैसे खुल जाएगा ना, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे गाइज थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद गाइज यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे स्टूडेंट, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर दें। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा ना, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे लॉग इन रजिस्टर फॉर स्टूडेंट, यहाँ पे लॉग इन फॉर स्टूडेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा ना, यहाँ पे आपको मांगा जाएगा यूजर आईडी और पासवर्ड। आप जो जिस ऑनलाइन वक्त आप जो जब आप ऑनलाइन किए होंगे उसी वक्त आपको मेल पे या इनबॉक्स में आपको मिला होगा यूजर आईडी पासवर्ड। तो सिंपली यहाँ पे डाल देना है आपको यूजर आईडी पासवर्ड। यहाँ पे गाइस आपको क्या करना है, पासवर्ड दे करके आपको कैप्चा फिल कर देना। जैसे कैप्चा फिल करते हो ना, यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना गाइस। जैसे लॉगिन कीजिएगा गाइस, यहीं पे जो है आपका पूरा डिटेल्स आ जाएंगे। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे जो है आपका पूरा स्टेटस आ जाएगा। स्टूडेंट नेम देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे वेरीफाइड है इसका, यहाँ पे करंट स्टेटस वेरीफाइड दिखने को आपको मिल जाएंगे। अगर करंट स्टेटस वेरीफाइड नहीं रहता तो आपका जो है बैंक पासबुक वेरीफाइड नहीं रहता। यहाँ पे देखिए जो भी नाम डेट ऑफ बर्थ सब चीज आपको देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद गाइस यहाँ पे जो है अकाउंट नंबर, यानी हर चीज आपका यहाँ पे मेन चीज ये होता है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे ग्रीन टिक। आपका ग्रीन टिक है तो आपका हर चीज वेरीफाइड है, आपका पैसा आएगा स्कॉलरशिप वाला जो है, आपका पैसा डेफिनेटली आएगा, 100% आएगा। इसी तरह आप भी चेक कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीका जो है आप चेक कर सकते हो गाइस। धन्यवाद।